Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. So kaise hai sab log? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So aaj ka topic kuch is tarah se hai ki aapki zindagi mein obviously kya aane wala hai, obviously within the next 7 days. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो बहुत ही ज़्यादा स्पष्टता के साथ रीडिंग होगा एंड डेफिनेटली कैंडिडेट्स का जो ड्रॉपिंग से उसी में से हमें पता चलेगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली विद इन द नेक्स्ट 7 डेज वॉट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम. ओके, मैं जस्ट आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ, आप अपने आप से रिलेट कर सकते हैं. यहाँ पे जो सिंबल आए हैं वो है ओम और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको लगे 3, ठीक है. एंड हियर आई कैन सी द लेटर वी वाई 2 times V आई कैन सी इट, ठीक है. सो यहाँ पे एक लियो का भी सनशाइन जो है, सॉरी, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है और कहीं ना कहीं पर मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपके सिचुएशन को जिस प्रकार हो सकता है कि आप दिल खोल के बातें तो करते हैं लेकिन आपको लगता है जितना आप दिल खोल कर बात करते हैं उतना ही लोग आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं या आपकी वैल्यू नहीं करते या आपकी कदर नहीं करते हैं. एंड तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको आप दूसरे के साथ लिमिटेड कन्वर्सेशन में ही काम को निपट देना चाहिए. मे बी आप काम करते हैं ऑफिस में या आप बिजनेस के जगह पे हैं, वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपकी बात नहीं मान रहे बिकॉज यू आर सो सॉफ्ट. सो डू यू नीड टू चेंज एनी बिहेवियर, या आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड तो वो ले रहे हैं लेकिन विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन, ओके, यू कैन से दैट एडवाइसेस आप बोल सकते हैं, या आप कोई भी वीडियोस या मोटिवेशन वीडियोस आप देख ले आपको किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए, ठीक है, हाउ यू शुड बिहेव, व्हाट कैन बी योर इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से होने चाहिए. इंटर मे बी यू टॉक, ओके, लाइक वेरी सॉफ्टली, ओके, ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली बात करते हैं इसलिए उनको ऐसा लगता है शायद आप अपने काम में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो उसी की वजह से शायद आपकी रिज्यूम में या सीवी हो सकता है कि आपने मतलब आपको सिलेक्ट नहीं किया गया उसी की वजह से. आप इवन यू हैव लॉट ऑफ क्वालिटीज देन ऑल्सो इट हैड हैपन, क्योंकि उनको लगा कि फेस वैल्यू से शायद वो लोग जज कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मासूम लगे आप, तो उनको तो लेना चाहिए बट उन्होंने नहीं देखा कि आप डिप्लोमेसी और टैक्टफुली आप मैनेज कर सकते हैं बट दे कुड नॉट रियलाइज. यहाँ पे मुझे फिशेस दिखाई दे रही है. सो फिशेस अगर आ जाता है प्रेडिक्शन में तो इसका मतलब ये तो है कि आप बहुत ही ज़्यादा सपने देख रहे हैं एंड आपकी इंट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शार्प मेमोरी है आपके, बट आप उस हकीकत को विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन टू रियलिटी. ज़रूरी नहीं कि 7 दिन में वो कम्प्लीट हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होता है, बट आप उसको ना प्रैक्टिकली आप उसको प्रयोग करने की कोशिश करेंगे. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि यू आर गोइंग टू गेट अपडेटेड रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, डेटा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, उस तरह से हो सकता है. यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है यहाँ पे, तो आई कैन सी लाइक दिस ना, आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी ज़िंदगी में ना हमेशा ही पेचीदे तरीके से पेचीदा ही सब कुछ हुआ है, जैसे कुछ स्ट्रेटली नहीं हो रहा है. सो मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं पे यू विल रियलाइज दैट विद इन द नेक्स्ट 7 डेज कि अच्छा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आए, अच्छा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में जो है कंपटीशन है, क्योंकि उसी से मैं ही सीख रही हूँ, उसी से ही मैं सीख रहा हूँ. अदरवाइज़ अगर मुझे ऑब्स्टिकल नहीं आते तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर प्रिपरेशन नहीं ले पाती या नहीं ले पाता. उसी तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पे,
यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को विचार करें तो यहाँ पे एक हेयर बैंड जैसा दिखता है। तो हेयर बैंड क्या करते हैं, हेयर बैंड एक्चुअली बालों को एक टाइट जगह पे रख देता है, राइट। इट एक्चुअली मेक्स द हेयर प्लीटेड इन वन साइड। सो उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा उलझे हुए काम जो है, उलझे हुए चीज़ों को ऑब्वियसली सुलझने की कोशिश आप खुद ही कर लेंगे एंड वो हो भी जाएगा। यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स है, यहाँ पे छोटा सा एक एस ऑफ कप है, और द लेटर्स विच आई कैन सी मोर आर RPIV, अगेन पी आई कैन सी, बी आई कैन सी। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट दैट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको मदद करने के लिए, ठीक है, कोई तो वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे एंड जब आपकी सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगा तब आपको ऑब्वियसली आपको मदद मिल जाएगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। कुछ लोग लिए आप देखेंगे कि वैकेंसी निकल रही है, एडवर्टाइजमेंट्स निकल रहा है, चाहे वो अखबार में हो चाहे वो कहीं पे ऑनलाइन में हो। सो यू विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर दैट एंड यस आई कैन सी अ हाउस स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो हाउस स्ट्रक्चर ही दिखाई दे रहा है, जैसा कोई टेंट हो सकता है या कोई टेंट जैसा घर का डिज़ाइन हो सकता है। मे बी आपके घर का बहुत कुछ चीज़ ऑलरेडी ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स बाकी है, मिसिंग है। हो सकता है कि आप उसको ही कंप्लीट करेंगे, या ये कोई मंडप हो सकता है, बेदी आप बना के शायद वहाँ पे पूजा पाठ होगा या शादी विवाह उस तरह से कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। ऑस्पिशियस फंक्शंस मुझे दिख रहा है, बहुत ही शुभ, चाहे यज्ञ हो चाहे पूजा पाठ हो चाहे वहाँ पे कोई भी रीति रिवाज के साथ कुछ अनुष्ठान हो वो भी दिख रहा है। हो सकता है बहुत ज़्यादा साधु संत वहाँ पे आने वाले हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे असेंबल होने वाले हैं, मंत्र चैटिंग होगा, यज्ञ होगा, बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मे बी इट इज़ लाइक दिस, ओके आई कैन सी लाइक दिस। ऑल राइट आई कैन सी अ कैंगरू लाइक जम्पिंग। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक कैंगरू मीन्स वट, दे आर रियली प्रोटेक्टेड, स्पेशली फीमेल के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। अपने बच्चे को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं वो, ठीक है। हाँ हर माँ ही अपने बच्चे के लिए कंसर्न रहती है, लेकिन एक प्रोटेक्टिवनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ज़्यादा ही अटैचमेंट किसी का आपके लिए बन सकता है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक इट्स बिकमिंग अ नेट और अ नेटवर्क लाइक। सो बहुत सारे लोग जो आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हैं, ठीक है, उनके साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो होता रहेगा। हाय हेलो सिर्फ नहीं बट लॉन्ग डिटेल कन्वर्सेशन हो सकता है। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक्ड कनेक्शंस। यहाँ पे देखो दो चीज़ दो आपस में जैसे मिल रहे हैं उस तरह से मैं देख रही हूँ। सो कहीं ना कहीं पे आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट हियर बट लेट मी वेरीफाई इट विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स हम देखते हैं, इट्स बेटर टू सी बाय टैरो कार्ड्स ओनली सो दैट आपको भी अच्छा और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली मिले। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 days, व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 7 days, व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 7 days, व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 7 days। देखो सेवन ऑफ वैंड्स, मैंने आपको ये भी कहा था, इट इज़ लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनुराशि। यहाँ पर मैंने ये कहा था कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में अगर बाधाएं बहुत ज़्यादा है, रुकावटें बहुत ज़्यादा है, इविल एनर्जीज की जो है इंटेंस इफेक्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आपके जो बोल्डनेस है, राइट, आपके जो करेज है, वो इस सारे चीज़ों को, ठीक है, फिनिश कर देगा और मुकाबले में आप ही सिर्फ जीतेंगे। क्योंकि अगर आपके पास वो राइट वेपन है, अगर आपके पास वो तरीका है, वो स्ट्रेटेजी है, सो आपको तो कोई हरा नहीं सकता है। आई डोंट सी दैट। सो विद इन द नेक्स्ट 7 days मे बी यू विल स्टार्ट फॉर्मुलेटिंग, ओके, बहुत सारे डिवाइसेस को यूज़ करने वाले हो आप,
बहुत सारे गैजेट्स को शायद आप यूज़ करेंगे, मे बी विल जस्ट कंसल्ट लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो एट द सेम टाइम. यहाँ पे है टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, वी डू हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है द एम्प्रेस, कोई चीज़ की आपके पास कमी नहीं होगा. यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सो 3, 5, 16 अगेन एंड 7 इज़ इम्पॉर्टेंट. सो 7 डेज के अंदर ऐसा हो सकता है कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता चल जाएगा कि कौन जो जो आपके साथ है, ठीक है, वो आपका कितना ज़्यादा ही फेवर करने वाले हैं, और अगर वो फेवर आपको नहीं करते हैं सो क्या आपको दूसरा एक ऑप्शन रखना चाहिए, राइट. मैंने नहीं कहा है कि लव के मामले में, बट मैंने ये कहा है कि एक बैकअप प्लान तो आपको रखना पड़ेगा. विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू विल एंजॉय, व्हाट विल यू एंजॉय, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ प्लेजर. आप अपने घर में शायद रहने वाले हैं, या हॉलीडेज में कोई बुक करेंगे, कोई विला, कोई अपार्टमेंट, कुछ भी, ठीक है, एंड मे बी विल एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, वो मुझे दिख रहा है. और बहुत ज़्यादा जैसे बोला जाता है ना, पारिवारिक सुख आपको मिलने वाला है. इवन उसके वजह से हो सकता है कि ज़्यादा खर्चा भी हो जाए, बट आप ज़रूर ये देख के रखिएगा कि यू शुड डू द राइट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. यू शुड कंसल्ट समवन बिफोर यू डू एनी इन्वेस्टमेंट. एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग अगर न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो पहले मार्केट को एनालाइज करें, देखें कि उनका प्लान कितना हद तक सक्सेसफुल हो सकता है, कितना हद तक वो फेलियर भी हो सकता है. वो जब वो सारे चीज़ों के बारे में आपका फोकस सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी. लव यू अ लॉट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड